भारत के औषधि महानियंत्रक ने सनोफी और गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन को भारत में उनकी कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षात्मकता के आंकलन के लिए तीसरे चरण के अध्ययन करने की मंजूरी दे दी है। डबल ब्लाइंड चरण 4 के अध्ययन में 18 वर्ष की आयु के 35,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल होंगे। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ गंभीर बीमारी और स्पर्श उन्मुख संक्रमण को कम करना है। सनोफी पाश्चर इंडिया की कंट्री हेड अन्नपूर्णा दास ने एक बयान में कहा कि भारत सनोफी पाश्चर के तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहा है। हमें जल्द ही देश में अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का नामांकन शुरू करना चाहिए। हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में जैसे जैसे वायरस विकसित होगा तो इसको रोकने के लिए क्या आवश्यक होगा। हमारा मानना है कि हमारा कोरोना एडजुवेंटेड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये 2 चरण में होगा। शुरुआती अध्ययन में वायरस स्ट्रेन को लक्षित करने वाले वैक्सीन निर्माण की प्रभावकारिता की जांच करेगा, जबकि दूसरा चरण बीटा संस्करण B1351 को लक्षित करने वाले दूसरे फॉर्मुलेशन का मूल्यांकन करेगा। दूसरे चरण के परीक्षण में अमेरिका और हडुरास के 722 वयस्क लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र 18 से 95 वर्ष के बीच थी। परीक्षण में सभी आयु के लोगों में एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया। तीसरे चरण का अध्ययन आरंभ वैश्विक अंतरिम चरण 2 के परिणामों का अनुसरण करता है। हाल के वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि बीटा संस्करण के खिलाफ बनाए गए एंटीबॉडी अन्य अधिक परागमय वेरिएंट के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। फ्रांसीसी फार्मा कंपनी सनोफी और उसके ब्रिटिश सहकर्मी GSK का लक्ष्य 2021 में 1 बिलियन खुराक उत्पादन करना है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।